तो टू बी से शुरुआत करते हैं, ग्रामर की बिल्कुल शुरुआत। तो देखिए टू बी का प्रयोग, टू बी का प्रयोग साथ साथ लिखते चलो, ठीक सही बच्चे साथ साथ लिखते चलेंगे। हाँ लिख लो। तो सबसे पहले टू बी में देखेंगे, टू बी में क्या होता है, इज है, आर है और एम, बाज है, बर है, ये सहायक क्रियाएं हमारी इसमें टू बी में होंगी। बिल भी है, सैल भी है, हैज है, वह। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इज आर एम का प्रयोग, इज आर एम का प्रयोग। तो पहले आपको पता होना चाहिए टेंस कितने होते हैं, कितने टेंस होते हैं, तीन टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक। देखो तो इज आर एम का प्रयोग किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, हैं। मतलब ये सब जब लास्ट में आएंगे तो हम पहचान लेंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस का है, ठीक। आपको पता होना चाहिए इज का प्रयोग किसके लिए होता है, एक वचनकर्ता के लिए, ठीक है। और आर का प्रयोग, आर का प्रयोग बहुवचन, और एम का प्रयोग इसके साथ होगा, आई के साथ, ठीक। एम का प्रयोग आई के साथ होगा, धैर्य से पढ़िए तभी सीख जाओगे। देखो बाकी कितने प्रकार के हुए हमारे, पांच प्रकार के, लेकिन हम इसमें कौन कौन से सीखेंगे वाक्य, अफर्मेटिव सीखेंगे, जो असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव सीखेंगे, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव। तो बाकी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। वाक्य बाकी कितने प्रकार के हमारे, चार प्रकार के हम इसमें वाक्य सीखेंगे। नंबर एक अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, और सेंटेंस है समझ लेंगे, ठीक है। इसमें आगे क्या लिखा है, सेंटेंस सबके आगे लिखा है, शॉर्ट में लिख देते हैं। चौथा है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, निगेटिव, ठीक सेंटेंस। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, साधारण वाक्य बनाना पड़ता है। तो देखो बहुवचन करता आपको पता होंगे, देखो बी है, यू है और दे, ये हमारे बहुवचन करता है, बी यू दे। इनके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, इन कर्ताओं के साथ आर लगाएंगे, ऐसा लगता है कि एक वचन वाले हों, लेकिन इनके साथ हम क्या लगाते हैं, आर, ठीक। और वो बहुवचन करता होते हैं जहाँ एक से अधिक चीजें पाई जाती हैं, जैसे बच्चा एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है, ठीक है। अगर बच्चा का हम बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे। इसी प्रकार से कुत्ता एक वचन, कुत्ते बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन करता वो होते हैं जहाँ एक से अधिक चीजें हों, एक वचन करता वो जहाँ एक चीज हो, ठीक। तो जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इनमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, देखो इसका फार्मूला, फार्मूला सबसे पहले लगाएंगे इसमें कर्ता, अंग्रेजी में लिखना चाहो तो सब्जेक्ट लिख लो, तो हिंदी में ही तब तक समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कर्ता, कर्ता के बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर या एम, और फिर लिखा जाता है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक वाक्य, जो बाकी जितना वाक्य बचता है वो सब लगा देते हैं इसके बाद। तो कम्प्लीमेंट आपको कठिन लगेगा, बाकी वाक्य लिख देते हैं, क्या लगाएंगे हम, बाकी वाक्य,
देखो ये शुरू करने का मेरा मतलब है कि जो कमजोर से कमजोर बच्चे जो हम लोगों के यहाँ पढ़ रहे हैं बैच में, वो सबसे कमजोर वाले बच्चे वो भी सीख जाएं, नहीं तो आफत हो जाएगी, फिर अगले साल हाई स्कूल में बहुत दिक्कत होगी। तो देखो पहला कोई एक बात लिखते हैं, श्याम एक डॉक्टर है। तो सबसे पहली मोटी पहचान तो हम ये पहचानेंगे कि इसमें है शब्द आया है। देखो है आया है आएगा तो कहने का मतलब वाक्य प्रेजेंट का होगा, और था आएगा तो किसका होगा, पास्ट का होगा, और गा आएगा गागी के आएगा तो फ्यूचर का होगा। है हूँ है आए तो प्रेजेंट का वाक्य, था थी थे आए तो पास्ट का वाक्य, और गागी के आए तो फ्यूचर का वाक्य। ठीक, तो श्याम एक डॉक्टर है। मोहिनी बताइए श्याम एक डॉक्टर है कैसे बनेगा, बताओ। श्याम, हाँ श्याम इज ए, हाँ आगे बताओ। श्याम इज ए डॉक्टर, तो कैसे बनेगा, श्याम इज ए डॉक्टर। ठीक, आगे देखो, तो श्याम इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, DOCTOR। अगर इसका हम निगेटिव करना चाहें, निगेटिव, तो निगेटिव में कुछ ज्यादा करने को है नहीं, निगेटिव सबको मालूम, पढ़ाएंगे स्पीड से। निगेटिव अगर इसका करना चाहें तो इसमें हम क्या लगा देंगे, नॉट, यही तो है निगेटिव, और क्या है, आप थोड़ी ना कुछ ऐसी है ये जो बनेगा नहीं। और नॉट का प्रयोग कहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, ज्यादा सूत्र लिखाने से कोई फायदा नहीं, तरीका समझिए उसका, यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर इस वाक्य को हम बनाना चाहें कि श्याम एक डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, श्याम इज नॉट ए, ठीक। अब कोई बहुवचन वाला लिख लेते हैं, जैसे मैं एक किसान हूँ, मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर, ठीक है, आई एम ए फार्मर, निगेटिव करोगे तो आई एम नॉट ए फार्मर। ठीक, बहुवचन, और इसमें आर वाला देखिए, आर वाला, बे चालाक है तो कैसे बनेगा, बे चालाक, दे आर, दे आर क्लेवर। आवाज ना करिए, मारेंगे, समझ लेना। ठीक, आगे देखो, आवाज नहीं फालतू, तो दिमाग क्लेवर हो जाएगा। ठीक, अब इसका अगर हम वो बनाना चाहे, ये कितने में सिखा देंगे, बहुत सारे इंटरोगेटिव अगर हम आपको सिखाएं तो इसमें क्या होगा, इंटरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न की बात की जाती है ना, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, और इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैंने अभी कह दिया था कि श्याम एक डॉक्टर है, इसमें क्या कहने, क्या श्याम एक डॉक्टर है, ठीक है, मैं एक किसान हूँ, क्या मैं एक किसान हूँ, बे चालाक है तो क्या बे चालाक है, इसमें क्या शब्द पहले आ जाएगा, और जब क्या पहले आता है तो हम क्या कर देते हैं, सहायक क्रिया को पहले लगा देते हैं, अर्थात इसमें सहायक क्रिया कौन है, इज, इसमें कौन है, इज, इसमें कौन है, आई एम, इसमें कौन है, आर, ये वाले शब्द हम लोग पहले लगा देंगे, बस क्या का अर्थ निकल आएगा। जब क्या पहले आता है तो हम उसकी सहायक क्रिया लगा दें, पहले अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, वैसे क्या कहीं अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट होती है, लेकिन व्हाट नहीं लगाएंगे। देखो ये वाला नहीं लिख पाया, चलो लिख लो, अच्छा लिख लो, चलो लिख लो, लिख लो, लिख लो, अच्छा लिख लो, देखो क्या पहले आए, पहले आए तो इज आर एम लगाते हैं, तो इज आर एम पहले, क्या पहले आए तो इज आर एम पर लगा देंगे। जैसे इन्हीं से एक बात ले लेते हैं कि क्या मैं
एक किसान हूँ, किसान हूँ। इसमें से आपको लगाना है कि कर्ता आपका मैं है, और मैं के साथ इज लगेगी, आर लगेगी या आई एम लगेगी। क्या लगेगा मैं के साथ? मैं के साथ क्या लगेगा? मैं, आई एम। तो आई एम को हम क्या कर देंगे? पहले लगा देंगे आई एम, आई है फार्मर। ठीक, अगला इधर कोई बताए, क्या हम गरीब हैं? उधर से बताए कौन है, योगेश बताओ, क्या हम गरीब हैं? आर इज पुअर। जब ये बताओ पहले, दो सारियां क्यों लगा रहे हो? आर बी पुअर, इतना तो सीखो हमसे कम। आर बी पुअर पहले, आर बी पुअर। ठीक है, अगला देखो, क्या तुम चोर हो? क्या तुम चोर हो? इसमें से कौन बताएगा? ये लड़की बताए, चलो बता, बता क्या तुम चोर हो? इसमें क्या लगेगा पहले? अरे तुम है, सब्जेक्ट कौन है? तुम के साथ मतलब अंग्रेजी होगी इसकी यू, और यू के साथ इज, आर, आई एम, तीन साइक्रियों में से कौन सी लगेगी पहले? यू के साथ क्या लगेगा? इज लगेगी, आर या आई एम? यू के साथ लगेगी आर। ठीक है, तो आर लगेगी पहले, तो आर यू। तो शुरू के लिए तो क्या गया, बच्चे से जाओ, फिर रह जाओगे, सीख नहीं पाओगे। अब यहाँ पर लिखे क्वेश्चन वर्ड, क्या होती है प्रश्न वाचक शब्द। अंकुल तुम्हें पता है प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? बताओ प्रश्न कौन कौन से होते हैं? अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं याद होंगी बहुत दिक्कत होगी आगे। प्रश्नवाचक शब्द नहीं आपको पता, कितनी शर्म वाली बात है कि नहीं है? ये आपका नाम जो है वीडियो में कितनी जगह जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अंकुल को याद निकले आप पता है कि नहीं है? कितने लोग सुनेंगे, चलो ये नहीं पता अंकुल कहाँ का लड़का है, ये तो नहीं पता है, ये मत बताओ कहाँ का है, नहीं तो बहुत ज्यादा तोहमीन हो जाएगी। ठीक है, तो समय शब्द कौन कौन से होते हैं? क्या, कब, ऐसे, कहाँ, कौन। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी? व्हाट। लेकिन नियम ये है कि अगर क्या पहले आएगा तब हम व्हाट नहीं लगाएंगे, तब साइक्रिया लगाएंगे पहले। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? व्हाई। इसकी अंग्रेजी होगी व्हेन, और ये है हाउ, ये है वेयर, ये है हु। ठीक, देखो, देखते चलो साथ साथ, नहीं तो छूट जाएगा।